अच्छा, बस्तर में जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद के स्ट्रक्चर, ढांचे और उनके शीर्ष नेताओं की जब भी बातचीत होती है, एक नाम का जिक्र बहुत बार होता है, हिड़मा। और बीते दिनों तो टेकलगुड़ा में जो मुठभेड़ हुई, उस दौरान भी हिड़मा के बारे में बहुत चर्चाएं हुई, बहुत लोगों ने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया। मेरे दर्शकों ने बार बार कहा कि हिड़मा से बात करवाइए, हिड़मा के बारे में बताइए। हिड़मा से मुलाकात तो संभव नहीं है, और हो सकता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कभी करा दूँ, लेकिन कई उसके भी प्रोटोकॉल हैं, तो कभी संभव हुआ तो कराऊंगा। लेकिन आज आपको किसी एक ऐसे शख्स से मिलाता हूं जो हिड़मा के साथ रह चुकी है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में इस वक्त हम दंतेवाड़ा में हैं। दंतेवाड़ा में आए तो बातचीत होते होते हमको ये जानकारी मिली कि एक महिला माओवादी थी जो पहले, उन्होंने समर्पण किया है 2014 में। इनका नाम सुंदरी है, रहने वाली बेसिकली नारायणपुर ज़िले की हैं, और ये संगठन में अच्छे पद पर रही हैं, और साथ ही साथ सबसे खास बात यह है कि ये हिड़मा के साथ भी रही हैं। तो हिड़मा के रहने का ढंग, खान पान, क्रियाकलाप की बहुत बारीकी से इनको जानकारी भी है। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब के लिए आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना पूरा नाम क्या लिखती हैं? सुंदरी कोराम। सुंदरी, ये बताइए कि सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा कि आप संगठन में कब जुड़ी और समर्पण कब किए आप? सर, मैं 15 साल की थी उस समय, संगठन राजमन आया और मेरे को उठा के ले गया। मैं बहुत गाना गाती थी, तो इसको गाना सिखा के ला देंगे बोल के लेके गए। अच्छा। तो बाद में जाटलूरियम ले गए और मेरे को घर वापस नहीं कर दिए। मेरा पिताजी उस समय जिंदा था, तो मेरा बेटी को नहीं दूंगा बोल के पीछे पीछे आके देखा, उसको धमका के वापस कर दिए। तो उसके बाद मैं 2006-07 को मार डिवीजन गई। अच्छा। मार डिवीजन जाने के बाद वो सपना का गनमैन करते करते मैं वो हिड़मा से मुलाकात होगी। हिड़मा से भी 2-3 महीना ऐसे घूमते थे साथ में, मीटिंग वीटिंग जाते थे। तो तभी उसका बारे में मैं जानती थी कि वो सबके लिए ठीक है, लड़ाई के लिए ठीक है, सब के लिए ठीक है, लेकिन जनता के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। अपना फोर्स के लिए उसको इंटरेस्ट है। अच्छा। अच्छा, ये दिखता कैसे है सुंदरी हिड़मा? वो काला है, पहले पतलू था, अभी थोड़ा मोटा हो गया सर। हाँ। वो सबके साथ भी खाना नहीं खाता है, अलग से उसको बनाना पड़ता है, रोटी हल्का सा तेल से सब्जी भी बनाना पड़ता है। उनके गनमैन 2 लोग रहते हैं, उन लोग बना देते हैं। अच्छा, मतलब हिड़मा का खाना हर कोई नहीं बनाएगा, जो उसके 2 गनमैन हैं वही बनाएंगे। जी। ये अच्छी जानकारी कि मतलब उसका प्रोटोकॉल देखिए अलग है, लेवल ही अलग है, मतलब उसका खाना हर कोई नहीं बनाएगा जंगल में। अच्छा, वो रहता क्या है, सबके साथ रहता है कि उसका टेंट वेंट अलग लगता है? नहीं सर, वो सबके साथ नहीं रहता है, उसका टेंट अलग रहता है। जब काम आता है तो उसके उससे बात करने वाले भी एसी नंबर वाले उसके उसके जगह में जाके बात करेगा। अच्छा अच्छा, आप सोचिए, आप कभी अगर किसी प्रदेश के डीजी के ऑफिस में जाएंगे तो जो प्रोटोकॉल जो पालन किया जाता है हिड़मा के साथ भी ठीक वैसा ही प्रोटोकॉल है कि उसका टेंट लगा हुआ है और हर कोई नहीं जाएगा, मतलब संगठन का या प्लाटून का या मिलिट्री कमांडर कोई भी जो उनका, हर कोई नहीं, जो एसी मेंबर होगा वही जाएगा बातचीत करने के लिए, वो हिड़मा से बात रखेगा संगठन की ऐसी ऐसी बातें, और हिड़मा फिर उसको आदेश देगा जो आकर सबको बताएगा, है ना? सबको ऐसे ऐसे बताना बोल के उसको आदेश देगा, तो जैसे बोलेगा वैसे जाके सबके सामने बात करेंगे। अच्छा सुंदरी, हिड़मा के सुरक्षा में कितने लोग रहते होंगे चारों तरफ में? उसके चारों तरफ 10-15 लोग रहते हैं सर। वो कर, और जो उसकी जो कंपनी है वो भी रहती है सुरक्षा में, वो भी रहती है? बी में कम से कम 10 या 25 ऐसे रहते हैं, बी सेक्शन में। अच्छा। ABC ऐसे रहता तो है। कितना सेक्शन में सुरक्षा रहता है उसका? उसका 3 सेक्शन है सर, ABC। जी। अच्छा, ए सेक्शन में 10-12 रहेंगे जी, और बी सेक्शन में 20-25 रहेंगे, और सी सेक्शन में? सी सेक्शन में वही 15 या तो 10। अच्छा, तो सोचिए कि 3 लेयर में सुरक्षा होती है हिड़मा की, और ये जानकारी आपको शायद बहुत कम जगह मिले और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसका दिनचर्या कैसा रहता है, मतलब कब सोता होगा, रात को सुबह कितने बजे उठता था सर, जब आप थी? रात को 10-12 बजे तक वो सबके एसी नंबर के साथ बात करेगा, उसके बाद अपने से पुस्तक पढ़ेगा, उसके बाद सोएगा, सोने के बाद सुबह 4 बजे उठेगा, उठ के पढ़ेगा, पढ़ने के बाद प्रेस होने जाएगा, उसके बाद वो चाय वही पीता है, चाय पीने के बाद उन लोग वहाँ रोल कॉल करते हैं। अच्छा जी। रोल कॉल मतलब? मतलब सुबह मॉर्निंग। अच्छा जी। वो क्या होता है?
सर सुबह उठ के इन लोग पीटी, इनको सबको पीटी कराओ ऐसे करो बोल के वो आदेश दे देता है। अच्छा, फिर पीटी होता है सुबह? जी अच्छा, पीटी होता है सर, हमेशा रहता है सर पीटी। और जैसे मुठभेड़ उठभेड़ होता है तो वो खुद जाता है लड़ने की खाली भेजता है? और अपना सर वो खुद लड़ने नहीं जाता है, जब उसके साथ होता है तो लड़ता है, बाकी उसके साथ रहने वाले फोर्स को वो भेज देगा, वो अलग से रहेगा उसके साथ, वो इड़मा के साथ कम से कम 10-15 जन उसके लिए रहेंगे, बाकी लोग लड़ने जाएंगे। अच्छा जी, और उनसे फिर वो बातचीत कैसे वायरलेस से करते रहेगा? जी पूरा ध्यान लगा के रखे रहेगा क्या हो रहा है क्या जी नहीं? क्या हो रहा है क्या नहीं ये सब वही हैंडल करेगा। और उसका प्लान कैसे बनाता है वो कि कहीं पे मुठभेड़ करना सर, है सर? उसके दिमाग में हमेशा वो मतलब जहाँ मुठभेड़ करना है क्या करना है सब सोचते रहता है। बाद में अच्छा जहाँ मौका पुलिस फोर्स का कमजोरी देखेगा तो वहीं वो करेगा इसे। अच्छा अच्छा, सब बोलते हैं सुंदरी कि बहुत खतरनाक लीडर है, तो तुमको क्या लगता है बहुत खतरनाक सर, बहुत शातिर? सर उसके में भी तो डर डर तो रहता ही है, वो तो अकेला लड़ता नहीं है सब, वो तो आंध्रा का है बस्तर का नहीं है, बस्तर का लड़ने वाले लोग सामने रहेंगे। वो तो पुवर्ती का है क्या, पुवर्ती में पैदा हुआ है तो? जी आंध्रा का है, आंध्रा जिला होता है क्या है तो उसका? नहीं, बीजापुर का है ना पुवर्ती का जी। अच्छा, वो तो उसका घर उधर ही होगा, मैं उसका नहीं जानती हूँ, पर उसके साथ रही तो दिमाग से बहुत तेज है क्या? जी बहुत तेज है सर। पढ़ा लिखा है, पढ़ते उड़ते रहता है? हमेशा पढ़ता है सर। अच्छा जी, और उसके पास में बंदूक कौन सा रखता है? 47 रहता है। उसको कोई बीमारी उमारी था क्या ऐसा कुछ जब तक? वही शुगर, हल्का सा शुगर है बोल रहे थे, बाहर से गोली दवाई उसका इलाज चल रहा था अभी शायद। तो गोली दवाई कैसे आता है सुंदरी वहाँ पे? सर डॉक्टर लोग से उन लोग मिले रहते हैं, समन्वय करते रहते हैं। तो कौन डॉक्टर? ये जो सरकारी डॉक्टर है जी, ये लोग देते हैं? बड़े बड़े लोग से मिले रहते हैं सर, संपर्क रहता है। बड़े लोग मतलब जैसे दूसरा प्रदेश? जैसे आंध्रा हो, बिहार, ऐसे शहर जगह में भी बड़े बड़े लोगों को तैयार करके रखे रहते हैं। हाँ। तो उन लोग उनको सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा बातचीत होता रहा कभी उससे, मतलब तुमको कभी ऑर्डर देता रहो कि जा सुंदरी? सर हम लोग गनमैन रहते समय हम लोगों को भी कहीं दूर कुछ सामान उमान के लिए भेजता था, बातचीत होता था हम लोगों से। और रात में वो सोता रहा तब कितने सिक्योरिटी रहते रहेंगे वहाँ? दो सेंट्री रहता है, इधर एक है इधर। हाँ, एक और बाकी तीन सेक्शन रह गए इधर तो ये सेक्शन में ऑलरेडी रहता है, उसके बी सेक्शन में दो सेंट्री रहता है उसके लिए। अच्छा ठीक है, तो और कुछ खास बात है क्या उसका जो अभी हम बता सकें अपने दर्शकों को जो अभी तक नहीं आया होगा सामने की हिड़मा? और कैसे क्या मतलब खाने में क्या पसंद होगा उसको? ऐसा मांस वास खाता है, नशा वशा करता है क्या? नशा नहीं करता है सर, पर गाय मटन खाता है। अच्छा जी, गाय मटन का शौकीन है जी, और देसी मुर्गा। हाँ। और ज़्यादा ज़्यादा वो रोटी खाता है, उसके लिए अलग से बनाते हैं। हाँ। तो बाकी संगठन में बाकी लोग के लिए रोटी? बाकी लोग के लिए रोटी नहीं है। हाँ। साय भी बहुत कम पीते थे, नहीं पीते हैं। हम लोग गनमैन रहते समय हम लोग को बचत वाला पियो बोलने से हम लोग पीते थे, नहीं तो ऐसे किसी की चाय नहीं। नहीं। चाय कौन सा ऐसी कि दूध वाला चाय? दूध वाला है सर। तो दूध उध कहाँ से लाते हैं? दूध भी बाजार से लाते हैं सर। अच्छा, सारा व्यवस्था रहता है मतलब? सब रहता है सर, पैसा सब दूध सब। तो बड़े लीडर लोगों के लिए ज्यादा व्यवस्था रहता है क्या जी? और जो छोटे लोग हैं उनको नहीं? उनको नहीं सर, इस बात का जो मिले वही खाए, नहीं तो नहीं। अच्छा, छोटे लोग को जी, बाकी लोग वो तो बड़े लोग को तो ऑलरेडी रहता है, वो गनमैन लोग पकड़ के ले जाते हैं। हम लोग भी, मैं भी ऐसे करती थी, वो सपना का वो भी एजेंसी नंबर थी। हाँ। उसके लिए अलग से दूध पाउडर पकड़ना पड़ता था, आटा पकड़ना पड़ता था, हमेशा अंडा पकड़ना पड़ता था। अच्छा। तेल साबुन ये सब उनके लिए। उन लोगों का तेल साबुन अलग रहता है, तुम लोग का अलग रहता है? जी, उन लोग महंगा वाला, बाकी लोग 10 रुपया 5 रुपया वाला लगाते हैं। ऐसा जी, तो फिर तुम वहाँ से भग के आई कि कैसे करके? नहीं सर, मैं मेरे मम्मी पापा लोग ख़त्म हो गए 2010 को, उसके बाद मेरे को पता नहीं था तेरे मम्मी पापा लोग नहीं है बोल के भी कोई नहीं बताए। मेरे भैया है वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखा है, वो मेरे को लेटर भेज के देखा लेकिन नहीं दिए। बाद में धीरे धीरे 2-3 महीना के बाद पता चला, तो मैं घर घर देख के आऊँगी, उधर नहीं रुकूँगी,
अभी जाऊंगी तो भी सब परिवार से मिल के वापस आ जाऊंगी बोल के, फिर मैं घर आने के बाद मैं अभी नहीं आऊंगी बोल के मैं भी लेटर भेज दी। तो आए थे समझाने के लिए सपना का सुनील घर आए थे जी, मेरे घर आए थे। तो मैं बोली मैं अब नहीं आऊंगी, ये अभी मैं दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं बनूंगी, जनता के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मैं घर में खेती कमाई करके मेरे भैया लोग भैया बाबू लोग खेती कमाई करते जी रहे हैं, मैं भी ऐसे करूंगी, कोई दुश्मन उस्मन नहीं बनूंगी बोल के। बाद में हमेशा फोर्स निकलती थी हम लोगों को पहाड़ में भगना पड़ता था। तो अच्छा, घर में रहने के बाद जी हाँ। इधर हम लोगों का इन लोग घर आए बोल के पता चला होगा, हम लोगों को हमेशा भगना पड़ता था। तो कितना दिन भगते रहेंगे बोल के हम लोग संपर्क किए, ये एसटीएफ में एक जन है लखन कोवासी, उसके साथ संपर्क हो गया। तो हम लोग आ गए, मारने से मारेंगे एक दिन मरेंगे बोल के। हम लोगों को नौकरी के लिए हम लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं था, मतलब नौकरी मिलेगा हम लोग खुश रहेंगे ये सब मैं नहीं सोचती थी। जहाँ तक मैं जानती थी कि जाके सिलेंडर होते हैं पुलिस वाले नहीं मारते हैं, अच्छा से घर द्वार देते हैं, ये सब सुनती थी, लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, नहीं कि भरोसा नहीं था। आई तो लेकिन भरोसा जी हुआ। अभी आने के बाद मेरे को बहुत कुछ मिला है, नौकरी मिला है, घर मिला है, सब कुछ मिला है जी। तो ये सुंदरी हैं, और मेरे कई दर्शक हिड़मा के बारे में बातचीत करते थे, सवाल करते थे, पूछते थे। तो हिड़मा के बारे में सवाल और भी हैं जिसके जवाब अभी भी ढूंढना बाकी है, मैं लगातार तलाश करूंगा, आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई दर्शकों ने यह भी पूछा था कि लोग नक्सली क्यों बनते हैं, तो नक्सली बनने की एक वजह सुंदरी से आपने सुन भी लिया था कि किस तरह वो 15 साल की थी और तभी उसे उठाकर ज़बरदस्ती ले गए। तो जो नक्सली है ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में विद्रोह है, इस तरह से भी कई लोग नक्सली बन चुके हैं। हालांकि अब जब वो बड़ी हो गई तो समर्पण भी किया उन्होंने, नक्सलवाद के हर चेहरे को भी देखा, हर तस्वीर को भी देखा, और अब वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बस्तर की अलग अलग तस्वीर, अलग अलग समस्याएं, आदिवासियों से जुड़ी चुनौतियों पे और उनके जो समस्या है नक्सलवाद पे, माओवाद पे, संस्कृति पे, हर किसी पे बातचीत करेंगे। बातचीत अच्छी लगती है तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।